हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की। ठीक है, जब कभी भी कोई हम टेबल बनाते हैं, लाइक यहां पे देखिए टेबल मैंने बनाया है और ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की मदद से बनाया है एक क्वेरी बना करके। तो ये क्वेरी आप देख सकते हैं, ये वो क्वेरी है जिसकी मदद से ये हमने टेबल बनाया है। तो ये ऑलरेडी एक्सिक्यूटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका रिजल्ट ये आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड भी हमने एंटर करवा दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पूरे रिकॉर्ड को एक बार में दूसरी टेबल में फेच कराएं, मतलब दूसरे क्वेरी में फेच कराएं। क्वेरी में कुछ ऐसा लिखे कि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है एक ही बार में फेच हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेरी डिजाइन पे जाना है। ये क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, फिर एसक्यूएल पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर एक कीवर्ड आपको लिखना है सेलेक्ट, क्या लिखना है सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, और यहाँ पर लगाना है एस्ट्रेक का सिंबल, यानी मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है उसे लगा दीजिए। क्या करना है, फ्रॉम लिखना है, कहां से आप फेच कराना चाहते हैं। अगर आपके पास दो तीन टेबल हो तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत होती है, तो फ्रॉम आप केवल टेबल का नाम दे दीजिए। तो हमारे केस में एक ही टेबल है माई टेबल, तो यहां पे लिख दिया माई टेबल, तो ये हो गया हमारा काम। अब यहां से इसको टर्मिनेट कर दीजिए, काम हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं यही वो तरीका है जिसकी मदद से आप ये क्वेरी बना सकते हैं और एक ही बार में सारे रिकॉर्ड को फेच करा सकते हैं। तो बस यहाँ रन पे क्लिक कर दीजिए और ये रिकॉर्ड फेच हो जाएगा क्वेरी नंबर 2 में।